आज जब बाबा साहब की बात होती है तो हिंदुओं के एक बड़े हिस्से को काटकर षड्यंत्र के तहत उन्हें उनसे अलग करने की बात जरूर होती है, लेकिन ये लोग जो अपने इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि भीमराव रामजी अंबेडकर को एक ब्राह्मण शिक्षक ने पढ़ाया था, एक क्षत्रिय राजा की आर्थिक मदद के कारण वो विदेश में जाकर आगे की पढ़ाई पूरी कर पाए थे। खैर छोड़िए, मैं इस पर डिटेल में बात कर चुका हूं, मैं वीडियो को पिन कमेंट कर दूंगा, अगर आपके पास समय हो तो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे पर, संविधान दिवस पर। 26 जनवरी को हम संविधान दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये है जी सबसे बड़ा लिखित संविधान है जी, सबसे कम समय में बनाया था जी, और भी न जाने क्या क्या कसम भी खाते हैं। सारी बातें ठीक हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन क्या एक बार हमें ये नहीं जानना चाहिए कि क्यों बाबा साहब ने खुद ये कहा था कि मैं वो पहला व्यक्ति हूंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। अगस्त 1947 को मिली तथाकथित आजादी के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, एक सभा बनी, जिसमें 296 मेंबर्स थे, 296 सदस्य थे, जिन्हें ये ड्यूटी दी गई कि वो भारत का संविधान लिखे, और फिर उन्होंने संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को भारत ने वो अपना लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कार्यकाल के दौरान सिर्फ 11 महीने और 18 दिन ही काम चला, जिसमें संविधान को लिखने के ऊपर और उसके ऊपर बात हुई, और इसमें भी बड़ा झोल निकला। बाबा साहब से एक बार पूछा गया संसद में, राज्यसभा में, कि वो इस संविधान पर अपनी क्या राय रखते हैं, तो उन्होंने गुस्से में एक बड़ी बात कहती, और ये बात अभी मैं कोट कर रहा हूं डॉक्टर बी आर अंबेडकर द मैन एंड हिज मैसेज किताब से। उन्होंने कहा कि माई फ्रेंड्स ऑलवेज keep on saying that I am the maker of the constitution, but I am ready to say this, I was a hack, I was asked to do so, I did much against my will. मतलब उन्होंने कहा, मेरे दोस्त अक्सर ये कहते हैं कि मैं इस संविधान का निर्माता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी मर्जी के खिलाफ मैंने बहुत सी चीजें की हैं, मुझे बताया गया था ये करने के लिए, वही मैंने किया जो मेरी मर्जी नहीं थी। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर अत्याचार करने के लिए, उन्हें पीड़ित करने के लिए, उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए 1935 में एक एक्ट लाया था जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, और जब भारत का संविधान लिखा गया बाबा साहब के नेतृत्व में, तो उन्हें यह कहा गया कि उन्हें इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आधार बनाना है और इस पर ही अपना संविधान लिखना है। तो उन्हें यह पता था कि जब वो इसको आधार बनाकर संविधान लिखेंगे तो वो कभी भी भारत के लोगों का भला नहीं कर सकता, भारत में एक भी व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता, और इसीलिए उन्होंने 1953 में एक बार राज्यसभा में खड़े होकर गुस्से में यह भी कह दिया था कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट Because it will do no good to anyone. मतलब मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। क्यों? क्योंकि ये किसी भी भारतीय, एक भी भारतीय को न्याय नहीं दे सकता। इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने ऐसे ही तो बोली नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि वही अत्याचार, वही उत्पीड़न ये चलता रहेगा जब तक सही मायने में संविधान को न लिखा जाए। आज हम कहते तो हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, लेकिन उसमें इंडियन पुलिस एक्ट वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, और उसके साथ साथ न जाने कितने कानून वही हैं जो अंग्रेजों के समय में उन्होंने बनाए थे हमें गुलाम बनाए रखने के लिए। ट्विटर पर ट्रेंड चलाना, कॉन्स्टिट्यूशन डे हैशटैग, ये वो, बड़ी बड़ी बातें लिखना, सबसे बड़ा संविधान है जी, हम उसकी कसम खाते हैं जी, सब बातें ठीक हैं, आपकी मान भी लेते हैं, लेकिन क्या हमें नहीं पता कि कोर्टों में क्या होता है? क्या हमें नहीं पता कि एक रेप पीड़ित को न्याय मिलने के लिए 30-30 साल लग जाते हैं? क्या हमें नहीं पता कि किस तरीके से वकील और गवाह बिकते हैं कोर्टों में? सब पता है, लेकिन आंख बंद करके बैठे हैं क्योंकि अभी हमारी बारी नहीं आई। ये सच है और ये सच रहेगा जब तक भारत के संविधान को सही मायने में भारतीयों के द्वारा नहीं लिखा जाता।
आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। धन्यवाद। जय हिंद।